Hey guys, it's me Priyanka and you are watching Presentation Matters. और वेडिंग सीजन चल रहा है और वेडिंग से रिलेटेड ही मैं आपके लिए कुछ हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे वेडिंग सीजन पर. बिकॉज वेडिंग में कभी कभी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ कुछ हैक्स शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में. और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं. बट मेक श्योर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ जो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आप मेरी आने वाली कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना कर पाएं. विंटर्स में मोस्टली ऐसा होता है ना, जब भी हम पार्टीज में जाते हैं, जब भी हम किसी वेडिंग में जाते हैं, फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे फेस को ड्राई कर देता है. बिकॉज विंटर्स में तो हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई हो जाती है. तो आपको क्या करना है, आपको फाउंडेशन लगाने से पहले आपको अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाना है. कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हो, और मॉइस्चराइजर आप कोई भी लगा सकते हो जो आपको सूट करता हो. और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको क्या लगाना है, फेस सीरम लगाना है. यस, आप कोई भी फेस सीरम यूज़ कर सकते हो. मेरे पास ये जोविस का फेस सीरम है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. बट आपको फेस सीरम ज़रूर अप्लाई करना है फाउंडेशन लगाने से पहले. इससे आपका फाउंडेशन केकी नहीं होगा और आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा. तो ये जो फेस सीरम होता है, ये एक बेस होता है आपके फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए. अगर आप यही फेस सीरम परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप परचेज कर सकते हो. फेस सीरम आपको ज़रूर लगाना है फाउंडेशन लगाने से पहले. आपको ये स्प्रे में मिलेगा और ज़रा सी क्वांटिटी आपको लेनी है अपने हैंड पर, और इसको अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करना है. जो फेस सीरम होता है ये आपके फेस को ग्लो करता है, और जो आपका फाउंडेशन होता है इससे बिल्कुल भी पैची नहीं होता है. तो फेस सीरम को अच्छे से टैप टैप करके अपने पूरे फेस पे आपको लगाना है, उसके बाद ही आपको फाउंडेशन लगाना है. इससे आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा. फाउंडेशन लगाने की भी एक ट्रिक होती है, आप जो भी अपना ब्यूटी ब्लेंडर होता है इसको आप डायरेक्ट, ये ड्राई आपको यूज़ नहीं करना है. इससे भी आपका फाउंडेशन केकी हो जाता है, मतलब आपका फेस होता है वो सारा ड्राई हो जाता है. तो जो भी आपका ब्यूटी ब्लेंडर होगा इसको आप पानी में अच्छे से स्क्वीज़ करना है. पहले आपको निचोड़ लेना है, मतलब इसको वेट करके अच्छे से सारा निचोड़ लेना है, उसके बाद ही ब्यूटी ब्लेंडर को आपको यूज़ करना है. अगर आप डायरेक्ट ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस पर टैप करोगे तो उसकी वजह से भी आपका फाउंडेशन केकी हो जाएगा और आपका फेस ड्राई होने लग जाता है. तो ये बहुत ज़रूरी है, जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर होता है इसको आपको अच्छे से पानी में डिप करके पूरा निचोड़ लेना है, और अच्छे से निचोड़ना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रह जाए. उसके बाद ही आपको इसको यूज़ करना है, और उसके बाद ही आपको अपना फाउंडेशन लगाना है. मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर फाउंडेशन. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है, मेरी स्किन को सूट करता है. अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. और प्योर अगर आप लगाना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. तो ज़रा सी क्वांटिटी में आपको लेना है फाउंडेशन, और अच्छे से आपके आपको अपने फेस पर टैप करना है, डॉटेड फॉर्म में आपको लगाना है अच्छे से. और उसके बाद आपको इस ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से टैप करना है. इससे आपका फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी पैची नहीं होगा, केकी नहीं होगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा. और इसकी वजह से ये आपका फेस ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज इसको अच्छे से आप वेट करके निचोड़ लोगे तो ये अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा. ओके, तो आप देख सकते हो ये जो फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया है बिल्कुल भी ये पैची नहीं लग रहा है. तो ब्यूटी ब्लेंडर को आपको अच्छे से क्लीन ज़रूर करना है, मतलब इसको अच्छे से वेट करना है, निचोड़ना है, फिर इसको अच्छे से टैप करना है अपने फाउंडेशन के ऊपर ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. और आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी ड्राई ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, आप हमेशा हम ऐसे करते हैं ना, जो भी हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर लगाते हैं अपने फेस पर. कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर हो आपके पास वो आप ज़रूर लगाते हो फाउंडेशन लगाने के बाद. बट विंटर्स में आपको कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल भी नहीं लगाना अपने फेस पर. अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाओगे तो उससे आपका फेस है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा. एक बार आपको नहीं पता लगेगा, ताकि जब भी आप मैरिज में जाओगे, वेडिंग में जाते हो, तो आपका फेस ड्राई होने लग जाएगा. तो उसके लिए आपको कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है विंटर्स में. अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हो तो आपका फेस ऑब्वियसली ड्राई होगा, तो विंटर्स में आपको कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है. और अगर आप ये फाउंडेशन लगाते हो तो आपको कॉम्पैक्ट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये 2-in-1 है, ये ऑयल फ्री फाउंडेशन है, इसके बाद आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बहुत अच्छा फाउंडेशन है. नेक्स्ट, जब हम रेडी हो जाते हैं, हम अपनी ड्रेस वियर कर लेते हैं, तो कभी कभी होता है ना हमारे पास कोई नेक पीस नहीं होता वियर करने के लिए, या फिर हमें मैचिंग कुछ नहीं मिल रहा था अपनी ड्रेस के साथ करने के लिए. तो आप एक आइडिया कर सकते हो, आप एक DIY कर सकते हो. आपको अपनी एक ब्रा लेनी है, कोई भी वेस्ट भी आपके पास होगी उसके आप कोई भी स्टेप्स ले सकते हो. कोई भी अगर आप ट्रांसपेरेंट स्टेप्स है आपके पास वो भी आप ले सकते हो.
तो आप ऐसे स्टेप्स निकाल सकते हो अपनी कोई भी बी में से जो आपके पास वेस्ट पड़ी हो, जो आप वियर ना करते हो, तो ऐसे आप कोई भी स्टेप्स निकाल सकते हो अपनी बी के। और उसके बाद आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, बिकॉज़ इसके ऊपर जो स्टेप्स लगे होते हैं इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप कोई भी फ्लावर ले सकते हो, ऐसा डेकोरेटेड फ्लावर। उसके बाद जो फैब्रिक ग्लू होती है, जो कपड़े वाली फैब्रिक ग्लू होती है, वो थोड़ी सी इसके ऊपर लगा के आप इसको अच्छे से स्टिक कर सकते हो इसके ऊपर। और कुछ टाइम के लिए आप इसको रखते हैं और ये अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगा। और इसको आप एज अ चोकर या फिर एज अ नेक पीस वियर कर सकते हो अपनी ड्रेस के साथ मैच करके। और इसके ऊपर ये जो ऑलरेडी हुक्स लगे होते हैं, तो इसको आप अच्छे से टाई भी कर सकते हो। और ये आपका नेक पीस रेडी हो जाएगा आपके ड्रेस के साथ मैचिंग। तो आपको अगर टाइम पर कुछ भी ना मिल रहा हो कि आप अपने ड्रेस के साथ मैचिंग क्या वियर करें, तो आप ऐसा कोई भी DIY चोकर या नेक पीस बना के वियर कर सकते हो इजीली अपने ड्रेस के साथ। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल मैच हो गया है मेरी ड्रेस के साथ, तो आप इसको इजीली वियर कर सकते हो। और ये बैक से अच्छे से बंद हो जाएगा, बिकॉज इसके ऊपर जो स्टेप्स लगे होते हैं, तो ये इजीली कंफर्टेबल बंद भी आप कर सकते हो, तो ये खुलेगा भी नहीं। तो आप ये ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत अच्छा हैक है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो आप इसको इजीली बंद भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ऐसे कोई भी आप चोकर बना के वियर कर सकते हो इजीली अपने जो ब्रा के स्टेप्स होते हैं, कोई भी स्टेप्स आपके पास वेस्ट घर पे पड़े होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ब्लैक स्टेप्स के ऊपर ब्लैक फ्लावर लगाया था। आपके पास कई और कलर के रेड भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, जो आप अपने ड्रेस के साथ मैचिंग कोई भी कलर जो आपको चाहिए वो आप स्टेप्स निकाल के ऐसे अपना लास्ट मिनट पर कोई भी नेक पीस रेडी करके वियर कर सकते हो। एंड ये वाली प्रॉब्लम तो हम सभी गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है, सभी इस प्रॉब्लम को फेस ज़रूर करते हैं। जब भी हम वेडिंग में जाते हैं, हम कोई भी आउटफिट वियर करते हैं, तो यार हम हील्स उसके साथ ज़रूर वियर करते हैं। कोई भी आपके फुटवेयर हील्स वाले तो ज़रूर होते हैं, क्योंकि हमारी आउटफिट इतनी लॉन्ग होती है। कोई स्कर्ट, आपने कोई भी अपने गाउन वियर किया हुआ है, तो आपको हील्स ज़रूर वियर करनी पड़ती है। और सैंडल्स की वजह से हम कंफर्टेबल चल नहीं पाते, हमारे पैर कितने ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं। तो आप एक हैक ट्राई कर सकते हो उसके लिए, आपको ऐसे पैड्स लेने हैं। आप देख सकते हो ये पैड्स है, जो हमारी बी के अंदर जो पैड्स होते हैं, एक्स्ट्रा पैड्स है हमारे पास, जो भी घर पर आपके पास एक्स्ट्रा पैड्स पड़े होते हैं, इनको आपको अपने सैंडल में डालना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इनका हैक मैं कैसे करने वाली हूँ, और कैसे आप इनको सैंडल के अंदर डाल सकते हो। ओके, तो मैं आपको पैड्स निकाल के दिखा रही हूँ अपनी बी में से। आपको अपनी बी में से पैड्स नहीं निकालने हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैड्स होते हैं वो आपको लेने हैं। और आप कोई भी पैड्स ले सकते हो जो भी आपके पास होते हैं, कोई भी कलर के पैड्स आप ले सकते हो। तो मैंने आपको निकाल के दिखाएं अपनी बी में से, बट आप कोई भी ले सकते हो जो आपके पास एक्स्ट्रा पैड्स पड़े हों। और उसके बाद आपको लेने हैं अपने फुटवियर, सैंडल्स, हील्स वाले, जो भी आप वियर करने वाले हो अपनी ड्रेस के साथ। और उसके अंदर आपको अच्छे से फ्रंट पर इसको अच्छे से डाल देना है, मतलब सैंडल के अंदर इसकी साइज, ऊपर वाली साइज अच्छे से आपको इसको चिपका देना है, ताकि आपके पैरों में बिल्कुल भी पेन ना हो इससे। क्योंकि ये जो पैड्स होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, और आपके जो फिंगर्स होती हैं, पैरों की फिंगर्स होती हैं, ये अच्छे से कवर हो जाती हैं इनको लगाने से। और मैंने ये ट्राई किया है, सच में इसको लगाने से पैरों में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, और आपकी फिंगर्स जो लग जाती हैं आगे से वो भी बिल्कुल भी नहीं लगेंगी इसको लगाने से। तो बिल्कुल अच्छे से आपको इसको फिक्स करना है, उसके बाद आप इजीली इसको वियर कर सकते हो। तो आपके पैरों में पेन से बिल्कुल भी नहीं होगा, और आप कंफर्टेबल चल भी सकते हो मैरिज में। तो आप देख सकते हो ये पैड्स मैंने कैसे सैंडल के अंदर लगाए हैं। तो कभी कभी होता है ना, जब हम वॉक करते हैं, हम ज़्यादा चलते फिरते हैं मैरिज के अंदर, जो हमारा सारा वेट होता है हमारे पैरों के ऊपर आता है, और हमारे पैर बहुत दर्द करने लगते हैं, और ऊपर से हमने पहननी होती है हील्स। तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई करना, ये हैक सच में वर्क करता है। आप अपने सैंडल्स के अंदर कोई भी आपके पास राउंड शेप में जो पैड्स होते हैं, एक्स्ट्रा पैड्स पड़े होते हैं, वो आप अपने सैंडल के अंदर या फिर कोई बैली वगैरह आप डाल रहे हो उसके अंदर फ्रंट पर लगाकर आप इसको वेयर करोगे, तो आपके पैरों में पेन नहीं होगा। मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ ये हैक आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आई एम श्योर ये वाला हैक आपको सच में बहुत पसंद आएगा। अगर मान लो आपके पास आईब्रो ब्रश खत्म हो गया हो, आईब्रो पाउडर आपके पास नहीं हो टाइम पर, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बादाम ले सकते हो, उसको थोड़ा सा गर्म करना है आपको। आप बादाम को ऐसे थोड़ा सा गर्म कर सकते हो, थोड़ा सा कोई भी, अगर आपके पास लाइटर है तो लाइटर से आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लें फ्रंट से। और उसके बाद आपको कोई भी आईब्रो ब्रश लेना है, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा आगे से। और उसके बाद आपको कोई भी अपना आईब्रो ब्रश लेना है फिलिंग के लिए, और इसको आईब्रो ब्रश को इसके ऊपर अच्छे से लगाना है। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल जो आपका आईब्रो कलर होता है उसकी तरह ये बन जाएगा।
और इसको आप एज ए आईब्रो पाउडर यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल अपनी आईब्रोज की तरह हो जाएगा। ओके तो आप देख सकते हो ये जो बादाम था इसको अच्छे से मैंने आगे से फायर लगा के थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो एट ए टाइम पर अगर आपके पास आईब्रो पाउडर ख़त्म हो गया है, आपके पास आईब्रो फिल करने के लिए पाउडर नहीं है, आप आईब्रोज को डार्क करने के लिए, तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई करना। सच में ये हैक वर्क करता है। आप कोई भी ब्रश ले सकते हो, अपना आईब्रो ब्रश लेकर इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा कर आप देख सकते हो इससे अपनी आईब्रोज अच्छे से बना सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको हैंड पे लगा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो ये जो बादाम को हमने थोड़ा सा गर्म किया था, तो ये देख सकते हो आप इसको एज ए आईब्रो अपनी आईब्रोज को आप फिल कर सकते हो। ये आपकी आईब्रोज को फिल कर देगा। तो एट टाइम पर अगर आपके पास आईब्रो पाउडर ख़त्म हो गया है तो आप इसका इस हैक को ट्राई कर सकते हो। बिलीव मी गाइस, आपको कैमरे में नहीं पता लग रहा होगा बट ये हैक सच में वर्क करता है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ अपनी आईब्रोज पर। यस, आप देख सकते हो, आप मेरी आईब्रोज में एक फ़र्क देख सकते हो गाइस। ये हैक सच में वर्क करता है। आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज का कलर कितना चेंज है। तो एज आप इसको आईब्रो ब्रश की तरह आप इस बादाम को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास अपना आईब्रो पाउडर ख़त्म हो चुका है या फिर आपको टाइम पर नहीं मिल रहा है, आपके पास नहीं है, अगर आप अपनी आईब्रोज को डार्क करना चाहते हो, और जो आईब्रो पेंसिल होती है ना, अगर हम आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रोज को डार्क करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ओवर लगती हैं कि हमने कुछ लगाया हुआ है। और ये नेचुरल हैक है, आप इसको गर्म करके ये हैक ज़रूर ट्राई करना। आई एम श्योर आप इस हैक से बहुत सेटिस्फाइड हो गए। और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा गर्म करना है और कोई भी ब्रश लेकर इस अच्छे से अपनी आईब्रोज को फील कर सकते हो और ये नेचुरल इफेक्ट देगा। ऐसे भी नहीं लगेगा कि अपने आईब्रो पेंसिल से कुछ ज़्यादा ही डार्क किया हुआ है। तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई करना। आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने अपनी बी के स्टेप्स में से आपने जो चोकर बनाया था वैसे आप एक ब्रेसलेट भी बना सकते हो। कोई भी ब्रेसलेट आप बना सकते हो अपनी बी के स्टेप से। और इसको मैंने छोटा कर लिया है, थोड़ा सा टाइट करके इसको मैंने हैंड की शेप में स्मॉल कर लिया है यहाँ से इसको टाइट करके। तो आप अपने हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको उतना ही टाइट कर सकते हो। तो ये मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया है बी का और इसको मैं बनाऊँगी एज ए ब्रेसलेट। तो आप कोई भी देख सकते हो, ये जो मेरे पास बी थी इसके दोनों स्टेप्स मेरे यूज़ में आ गए। तो आप कोई भी अपना वेस्ट ईयरिंग ले सकते हो। यहाँ पे मैं अपना वेस्ट ईयरिंग यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा एक सिंगल पेयर पड़ा था ईयरिंग का, दूसरा इसका गुम हो गया था। और इसके ऊपर मैं फैब्रिक ग्लू लगा के इसको अच्छे से स्टिक कर दूँगी इसके ऊपर। और आप देख सकते हो ये मेरा ब्रेसलेट बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप अपने हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको उतना ही टाइट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये ब्रा के स्टेप से आप ऐसे ब्रेसलेट भी इसको वेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो वाओ, मतलब एक ही बी से मतलब कोई भी आप स्टेप्स ले सकते हो। दो स्टेप्स आप सेम स्टेप्स लेकर अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग आप ज्वेलरी बना सकते हो, नेक पीस और ब्रेसलेट। तो आप देख सकते हो ये वेस्ट ईयरिंग था एक पेयर, जो ईयरिंग मेरा गुम हो गया था, तो ये सिंगल पेयर मेरे पास पड़ा था और एक बी के स्टेप्स के ऊपर उसको टाइट करके मैंने ये ब्रेसलेट बना लिया है। तो आप भी ऐसा ब्रेसलेट बना के वेयर कर सकते हो और आपको एक्सपेंसिव ज्वेलरी परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वेडिंग हैक मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये हैक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग आपने ब्रेसलेट भी बना लिया और नेक पीस भी बना लिया। तो ऐसे आप इसको इजीली वेयर कर सकते हो। कोई भी अपनी बी के स्टेप्स लेकर आप ऐसे अपना ब्रेसलेट भी बना सकते हो और अपना नेक पीस भी बना सकते हो। और नेक्स्ट क्या होता है, जब भी हम पार्टीज में से वापस आते हैं, जब भी हम वेडिंग अटेंड करके घर पर आते हैं, तो जो भी हमारा हेयर स्टाइल होता है उसको ओपन करने में, अगर मान लो हमने कोई हैवी बन वगैरह बनाया हुआ है उसको ओपन करने में हमें कितना टाइम लग जाता है। और वैसे ही हम बहुत थक गए होते हैं मैरिज में से घर आके, तो हमें होता है कि यार ऐसे ही सो जाओ, सुबह ओपन करेंगे, तो वो बहुत रॉन्ग है। आपको हेयर स्टाइल अपना ओपन करके ही सोना चाहिए। और मैं आपको हैक बताऊंगी कि अपना हेयर स्टाइल आप कैसे ईजिली ओपन कर सकते हो। तो आपको अपना हेयर स्टाइल, सबसे पहले अपना हेयर, जो भी अपने हेयर बन वगैरह बनाया होगा उसको आपको ओपन कर लेना है अच्छे से। और उसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपके हेयर्स होते हैं जो इनमें हेयर स्प्रे किया होता है पहले ही, बहुत सारा पिंस लगी होती हैं, हेयर स्प्रे किया होता है तो टैंगल्स बहुत हो जाते हैं आपके हेयर्स में, हेयर फॉल हो जाता है इसकी वजह से। तो आपको डायरेक्ट हेयर कॉम नहीं करना है अपने हेयर को, टैंगल्स को रिमूव करने के लिए आपको पहले हेयर सीरम या फिर ऑयल अप्लाई करना है। कोई भी हेयर सीरम लेना है, उसको अपने हेयर पर लगाना है अच्छे से। हेयर सीरम नहीं तो आप कोई हेयर ऑयल भी लगा सकते हो, बट टैंगल्स निकालने से पहले आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी है, अपने हेयर्स पर सीरम लगाना है, जहाँ पर भी आपने हेयर बन बनाया होगा पूरे हेयर्स में आपको अच्छे से हेयर ऑयल लगाना है। हेयर ऑयल लगाने के बाद आपके हेयर्स होंगे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ईजिली आपके टैंगल्स होंगे वो निकल जाएंगे आपके बालों में से।
और हेयर ऑयल लगाने के बाद, हेयर सीरम लगाने के बाद, आप कुछ भी लगा सकते हो, हेयर ऑयल या फिर हेयर सीरम। तो मैंने यहाँ पर हेयर सीरम लगाया है, उसके बाद ही मैं अपने टैंगल्स को निकालूंगी। तो आप देख सकते हो हेयर सीरम लगाने के बाद आपके टैंगल्स होंगे जो वो इजीली बालों में से निकल जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी हम पार्टीज में से आते हैं और बहुत थके हुए होते हैं, कभी कभी तो हम ऐसे ही सो जाते हैं, बट आपको अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम करके सारे टैंगल्स निकाल के ही अच्छे से सोना होता है, नहीं तो आपके हेयर फॉल होने लग जाते हैं और आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो हेयर्स में से टैंगल्स निकालने के लिए आप अच्छे से ऑयलिंग कर लें या फिर आप अच्छे से हेयर सीरम लगा लें, क्योंकि नेक्स्ट डे तो वैसे भी हमें हेयर वॉश करना ही होता है, बिकॉज हमने जो हेयर स्प्रे लगाया होता है बालों में और जो हमने हेयर बन वगैरह बनाया होता है उससे हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे तो हम वैसे भी हेयर वॉश करते ही हैं, इसीलिए आप अच्छे से ऑयलिंग कर लोगे, उसके बाद अगर आप टैंगल्स निकालोगे तो वो अच्छे से सुलझ भी जाएंगे, आपके हेयर्स होंगे और आपके बाल ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई करना। एंड नेक्स्ट क्या होता है, जब भी विंटर्स में मैरिज आ जाती है, विंटर्स में कोई फंक्शन हमें जाना पड़ता है फंक्शन के अंदर, तो यार ठंड तो सबको लगती है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे सर्दी ना लगती हो, बट हम अगर ऊपर जैकेट तो हम नहीं वेयर कर सकते यार, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, जैकेट हम नहीं वेयर कर सकते कोई भी अपनी ड्रेस के ऊपर। तो हाँ, आप अपने लहंगे के अंदर कोई भी इनर वेयर आप वेयर कर सकते हो, तो आप अपने लहंगे के अंदर कोई भी वूलन की लेगिंग वेयर कर सकते हो और ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपकी सर्दी भी थोड़ी सी रुक जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, मैरिज में लॉन्ग टाइम चलने की वजह से हमारे पैर कभी कभी छिल जाते हैं पीछे से, तो आपको क्या करना है, आपको एक पैड लेना है और पैड को आपको थोड़ा सा कटिंग करना है साइड में से, आप इसको अच्छे से कट कर लें सीजर की हेल्प से। और थोड़ा सा आपको इसको कट करना है और इसके दो पीस बना के आप अपने फुटवेयर में सैंडल्स में लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो इसके मैंने दो पीसेस बना लिए हैं, अब इसको मैं अपने सैंडल्स के अंदर लगा दूंगी ताकि आपके पैर पीछे से लगे ना और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो चलने में, और इसको अच्छे से आप अपने सैंडल के बैक वाली साइड अच्छे से चिपका दें, और ऐसे करके आपको अपने दूसरे सैंडल के अंदर भी इसको लगा देना है। तो और ऐसे आपके जो पैर होंगे वो पीछे से बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, और फ्रंट पे जो मैंने आपको हैक बताया था पैड्स लगाकर आप इजीली वॉक कर सकते हो। मैं आपको बताने वाली हूँ, जब भी हम आई शेडो अप्लाई करते हैं, कोई भी आई शेडो, कोई भी कलर का आई शेडो जब आप अपनी आईज पर अप्लाई करते हो वेडिंग में या फिर कोई भी पार्टी में, तो ये हैक मेरा फेवरेट हैक, आप ट्राई ज़रूर करना, सच में ये हैक बहुत वर्क करता है। जब भी आप कोई आई शेडो अप्लाई करते हो, कोई भी कलर का आई शेडो, तो आई शेडो लगाने से पहले आप ये जो वाइट कलर का आई शेडो होता है, आप देख सकते हो जो ये वाइट कलर का आई शेडो है, कोई भी मतलब कोई भी आई शेडो लगाने से पहले आपको वाइट कलर का आई शेडो अपनी आईज पर ज़रूर लगाना है। इसका बेनिफिट ये है, आप ट्राई ज़रूर करना, अगर अगर आप वाइट कलर का आई शेडो लगा के उसके बाद कोई कलर्ड आई लाइनर लगाते हो, आई शेडो लगाते हो सॉरी, तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो स्मोकी लुक में लगता है और वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अगर आप वाइट कलर का आई शेडो नहीं लगाना चाहते तो आप वाइट काजल भी लगा सकते हो आई शेडो की जगह पर। तो अगर आप वाइट काजल लगा लोगे ना या फिर आप वाइट आई शेडो लगा लोगे कोई भी आई शेडो लगाने से पहले, तो वो बहुत अच्छा लुक देगा आपके आई शेडो। और अगर आपके पास ग्लिटर वाले आई शेडो कलर्स नहीं है, मतलब आपके पास नॉर्मल आई शेडो कलर्स है ग्लिटर वाले नहीं है, तो जो मैंने वाइट कलर का आप देख सकते हो वाइट कलर का जो मैंने आई शेडो लगाया है, ये आपको ग्लिटर फॉर्म देता है, ग्लिटरी लुक देता है। तो आप ये हैक एक बार ट्राई ज़रूर करना यार, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये हैक। मतलब कोई भी आई शेडो लगाने से पहले आप अपनी दोनों आईज़ पर वाइट कलर का आई शेडो ज़रूर अप्लाई करना, और वाइट अगर आई शेडो नहीं है आपके पास तो आप वाइट काजल भी लगा सकते हो अपनी आईज़ को अच्छे से काजल से ब्लेंड करके, उसके बाद ही आपको कोई भी कलर आई लाइनर आई शेडो लगाना है। ओके, तो मैं आपको अपने हैंड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्ट कलर लगा रही हूँ, डायरेक्ट जो भी आप आई शेडो लगा रहे हो, यहाँ पर मैं ब्लू कलर का डायरेक्ट लगा कर दिखा रही हूँ, और अब मैं लगाऊंगी वाइट कलर के आई शेडो के साथ। सबसे पहले मैं वाइट कलर का लगाऊंगी और उसके ऊपर मैं लगाऊंगी ब्लू कलर का आई शेडो। तो आप फ़र्क देख सकते हो इन दोनों में फ़र्क कितना ज़्यादा लग रहा है। वाइट आई शेडो लगाने से आपका जो आई शेडो होगा वो स्मोकी लुक में देगा और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, वो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो आप ये हैक जरूर ट्राई करना।
एंड लास्ट हैक में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपका साड़ी पहनने का मन हो किसी भी वेडिंग में और आपके पास साड़ी ना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी वाइट प्लाजो पहन सकते हो, वाइट नहीं तो जो भी कलर का आपके पास प्लाजो हो आप वो वियर कर सकते हो, और उसके ऊपर आप ऐसे कोई भी हैवी दुपट्टा ले सकते हो, नेट का दुपट्टा, कोई भी हैवी दुपट्टा आप ले सकते हो और अपने प्लाजो के अंदर अच्छे से इसको टक करके पूरा एज अ साड़ी स्टाइल आप इसको वियर कर सकते हो। सच में ये हैक वर्क करता है, आप ट्राई ज़रूर करना। अगर आपका साड़ी पहनने का मन ना हो और साड़ी का लुक भी आपको क्रिएट करना हो तो आप ऐसे ये साड़ी स्टाइल में इसको वियर कर सकते हो। कोई भी प्लाजो आप वियर कर सकते हो अपने क्रॉप टॉप के साथ और उसके ऊपर आपको दुपट्टा हैवी लेना है, बट आपको दुपट्टा पूरा हैवी लेना है तभी वो साड़ी लुक में क्रिएट होगा। कोई भी नॉर्मल शॉर्ट दुपट्टा आप कैरी नहीं कर सकते, हैवी दुपट्टा लेना है और आप इसको साड़ी लुक में क्रिएट कर सकते हो, और कोई भी क्लच लेकर आप इसको पूरा लुक क्रिएट कर सकते हो।